आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या तपस्वी छावनी परमहंस आश्रम में पहुंचे भक्तों को आशीर्वाद देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को। प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा जो है आषाढ़ मास में आती है। गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है यह अनादिकालीन है। शास्त्रों में गुरु की जो महिमा है वो सर्वोपरि है। भगवान श्री वेदव्यास श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि आचार्यम माम बिजानियात नाव मन्नित कर ही चित्त। भगवान ने कहा कि गुरु को मेरा स्वरूप मानना चाहिए। और भगवान श्री राम ने तो यहाँ तक कहा कि मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, कहे हमसे भी अधिक गुरु के प्रति निष्ठा रखना चाहिए अगर किसी को जीवन को सार्थक बनाना है तो। और जिससे कुछ अच्छा सीखा जाए, देखिए प्रथम गुरु माँ होती है और जिससे हम कुछ भी सीखते हैं वो गुरु है। जिससे कुछ अच्छा सीखते हैं और जो भगवान से जोड़ दे वो सद्गुरु होता है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु का स्थान जीवन में क्या है, तो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे तो हनुमान जी से आशीर्वाद मांगे तो हनुमान जी कहे कि चलो आशीर्वाद है, कहे कृपा बना कर के, बोले बहुत कृपा है, बोले ऐसी कृपा नहीं चाहिए, ऐसी कृपा चाहिए जो एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर करता है, कहे जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो बड़ा लोग आश्चर्य पड़ गए क्योंकि माता पिता से ज़्यादा शुभचिंतक और कोई हो नहीं सकता। तो लोगों के मन में संदेह हुआ कि ऐसा क्यों कह दिए, अरे माता के जैसे कृपा कहना चाहिए, पिता के जैसा, इन्होंने तो गुरु जैसे कह दिया। तो उसमें ऐसी बात है जिससे माता पिता बच्चे के लिए सबसे बड़े हितैषी होते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि है, उनका जो चिंतन है वो केवल इस लोक तक सीमित है। वो चाहते हैं कि बच्चा खूब पढ़े लिखे, खूब अच्छे पद पर जाए, सम्मानित जीवन जिए, सुखी रहे, खूब धन हो जाए। लेकिन गुरु जो होते हैं, गुरु चाहते हैं कि हमारे शिष्य का इस लोक में भी सब कुछ अच्छा रहे और परलोक भी बन जाए। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है और सबको जो है गुरु करना ही चाहिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसके जीवन में अंधेरा है। गुरु के बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता। जय श्री राम।